सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। गंगा में बड़ा उफान, जल स्तर पार कर गया लाल निशान। खतरे के निशान 113 मीटर से 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा पानी। तराई क्षेत्र के 40 गांव में घुसा सैलाब, 1200 बीघा फसलें डूबी। जिले की 4 तहसीलों में गंगा नदी से सटे गांव में अफरा तफरी। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। सोमवार शाम को जलस्तर 113.30 मीटर रिकॉर्ड किया गया। गंगा नदी में उफान बढ़ने से सैलाब अब नदी के नजदीकी गांव में घुस गया है। 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं करीब 1200 बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। कई गांव के संपर्क मार्ग कट गए हैं। सोमवार को डीएम ने फतेहपुर चौरासी और बंगरमऊ के बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण किया और मार्गों की मरम्मत के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर हिंदूपुर नया बंगला मार्ग की मरम्मत शुरू कराई गई। उधर जलस्तर बढ़ने से काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग पर हिंदूपुर पुलिया के पास किनारे का हिस्सा धस गया। जाजामऊ चिरंजू पुरवा मार्ग पर पानी भर गया। गांव पंडित खेड़ा के किसान कृपा शंकर अवस्थी की 5 बीघा, अशोक की 1 व पोतन की 3 बीघा धान की फसल डूब गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।